लाइट की पावर देख के तो मुझे मजा आ रहा है अभी। और लॉन्ग अगर कहीं पे भी जाना है तो कोई टेंशन नहीं, रात को भी निकलो। ऑल्दो मेरा इंटेंशन किसी के आंखें खराब करना नहीं है, बट एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एटीजी व्लॉग्स। आप सभी का मेरे इस नए व्लॉग में स्वागत है, व्लॉग में स्वागत है। अगर आप लॉन्ग रूट पे जाते हो तो आपको देखना पड़ता है कि आपकी गाड़ी प्रॉपर है या नहीं। वैसे ही अभी मैं भी लॉन्ग रूट पे जाने वाला हूँ कुछ दिनों में। इसके लिए वैगनर को थोड़ा सा प्रिपेयर करना है, रेडी करना है। तो इसके पहले ऑयल तो चेंज किया है वैगनर में, बट आज लाइट चेंज करने जा रहा हूँ मैं वाशी, क्योंकि इसके जो स्टॉक लाइट्स है वो ना के बराबर है। तो वो लाइट आज रिप्लेस करने हैं और मोस्टली मैं एलईडी लगाने वाला हूँ। जब मैं गांव जाता हूँ ना, हमेशा लिटरली बस और ट्रक वाले 10-10 लाइट लगा के आगे से आते हैं, और मैं हमेशा पूरा लाइट भी बंद कर चुका हूँ कि भाई अभी तो डिप कर दो, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और लाइट शाम को इंस्टॉल करने के पीछे का रीजन इतना ही है कि लाइट टेस्ट करके मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ, क्योंकि कैसा है बाद में फिर प्रॉब्लम नहीं चाहिए, कम है ज्यादा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है। सो कुछ इस तरीके से दिख रहा है अभी स्टॉक लाइट। अभी मैं जा रहा हूँ शॉप पे, तो वहां पे जो भी लाइट मैं लूंगा वो आपको बता दो। तो मैंने जो लाइट खरीदे है वो सिद्धिविनायक मोटर से खरीदे है, और ये इनके ओनर है। इस कंपनी की 220 वॉट की H4 LED है, वैगनर के सीरीज मध्ये आम्ही या सरांच्या गाडीमध्ये लावतोय। त्यांना परफॉर्मन्स चांगला वाटला कारण 2 वर्ष वॉरंटी आहे आणि रिप्लेसमेंट सर्विस असल्यामुळे त्यांनी ती आज 4,500 आपल्या कार मध्ये इन्स्टॉल केली आहे। चलो देखते अभी परफॉर्मन्स, अगर कुछ भी हो गया वॉरंटी का तो डायरेक्ट शॉप में आना है, डायरेक्ट रिप्लेसमेंट। चलो थैंक यू। डायरेक्ट प्लग एंड प्ले है ना? हेलो, पहले वाला अभी बल्ब निकल रहा है, निकल भी गया इनफैक्ट। ये हाँ, ये प्लास्टर है, उससे क्या होता है, पहले कैसे कटआउट लगाते थे ना। हाँ वही चीज है। अच्छा, सिर्फ अभी वो प्लग एंड प्ले इसके लिए वो डब्बी दिया है। हाँ। ये हो गया प्लग एंड प्ले बराबर। हाँ। ये इसका पहले वाला बल्ब है, ऐसा अभी मिलता है कि नहीं मिलता? और ये मिलता है, लेकिन हाई पावर में होल्डर जल जाते हैं ना। अच्छा, ये कटआउट लगाना। अच्छा, कटआउट में झमेला क्या रहता है लेकिन बाद में? कटआउट में वायरिंग वगैरह बहुत लगा, लेकिन अपर डिपर ज्यादा मारते हैं ना। हाँ, ये बल्ब उड़ जाते हैं उसको। अच्छा, तो चलो फिटिंग हो गया, अभी देखते हैं लाइट का कमाल। राइट, अपर डिपर दोनों ओके। चलो लाइट्स इंस्टॉल हो गए, सिर्फ 5-10 मिनट का काम रहता है लाइट इंस्टॉल करना, थोड़ा बेटर लगा पहले वाले लाइट से। ऑफ कोर्स एलईडी है इसके लिए अच्छा ही है, और वैगनर में H4 ही कंपेटिबल रहता है, इसके लिए फिर H4 मैंने जो कंपेटिबल था वो डाला है। ज्यादा हाई पावर भी नहीं है, ज्यादा लोगों को तकलीफ भी नहीं देनी है। लाइट की पावर देख के तो मुझे मजा आ रहा है अभी, और लॉन्ग अगर कहीं पे भी जाना है तो कोई टेंशन नहीं, रात को भी निकलो। सिर्फ अभी एक बार चेक करना है और उसमें थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी मेरे हिसाब से। सो अभी मैं आ गया हूँ एक पूरे पीच ब्लैक रोड पे, सामने कुछ भी नहीं दिख रहा है। ओके, सो अभी लाइट ऑन करते, ये मोड देख लो, मोड है 0 पे, मतलब ऊपर की तरफ, और अभी लाइट चालू करता हूँ मैं। काफी बढ़िया है, काफी बढ़िया, नीचे नीचे आएगी लाइट। इसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा बाद में, क्योंकि यहाँ पे एक लाइट दिख रहा है, वहाँ पे एक लाइट दिख रहा है, ऑल्दो उस साइड पे भी थोड़ा स्प्रेड है इसका, बट वो एडजस्ट कर लूँगा मैं बाद में। एंड अभी इसको करते हैं पूरा 0 पे, मतलब ऊपर की तरफ, और अभी देखते हैं इसका अपर। देखो भाई, काफ़ी लंबा जा रहा है, काफ़ी दूर तक जा रहा है, आगे तक दिख रहा है, विच इज़ क्वाइट गुड। क्योंकि आजकल कैसा है कि अपने इंडियन रोड्स पे गड्ढे किधर आएंगे इसकी गारंटी नहीं है, कहीं कहीं पे काम चालू रहता है, हम लोग अच्छे खासे स्पीड में रहते हैं, और अचानक अगर कुछ गड्ढा आ गया तो फिर वाट लगती है। मेरे साथ हुआ है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। सो ये लाइट अभी काम आने वाली है, उसमें उम्मीद है, आशा है कि अच्छा ही रहे ये हमेशा, और जल्दी ख़राब ना हो। अभी इसके भी अगर अपर पे मोड नीचे कर दे एकदम, लाइक 4 पे कर देता हूँ, फिर भी अच्छा खासा है। जो लोग मानते नहीं है ना अपर से हटने के लिए, उनके लिए अच्छा खासा है, नॉट एकदम हाई फायर बट अच्छा खासा है। ऑल्दो मेरा इंटेंशन किसी के आंखें खराब करना नहीं है, बट जो लोग मानते ही नहीं है, भाई मैं पूरा लाइट बंद करके भी गाड़ी चलाया हूँ कि अभी तो डिपर दो, लेकिन सामने वाला नहीं मानता।
इसके लिए फिर थोड़ा पावरफुल लाइट अपने पास रहना ज़रूरी है। और वैसे भी डेली रनिंग में भी जो येलो लाइट से उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, इसके लिए ये लाइट अभी अच्छे हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो रखा मैंने, ज़्यादा कुछ लेंदी नहीं किया, जो मेन पॉइंट्स थे वो सब मैंने आपको बता दिए हैं। तो मुझे निकलना है अभी नेक्स्ट जर्नी के लिए, तो उस जर्नी के व्लॉग में मिलता हूँ आपसे। अगर वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ क्वेश्चंस रहेंगे कार रिगार्डिंग, हेडलाइट रिगार्डिंग, तो कमेंट करके पूछिए, और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी पॉजिटिव एंड कीप गोइंग।